एक कंपनी का शेयर है जो कि पहले 4 रुपए से 117 रुपए तक गया और फिर वापस 12 रुपए पर आ गया, और ये सब हुआ सिर्फ 2 साल के अंदर। बट मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि इस टाइम पीरियड में उस कंपनी के ऑपरेशंस में कोई भी इफेक्ट नहीं आया, मतलब ना ही कंपनी ने कोई बड़ा डेट लिया, ना ही उसके प्रॉफिट कोई बहुत ज्यादा बढ़े या बहुत ज्यादा घटे। यानी ये सब हुआ मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से। जब सेंटीमेंट्स पॉजिटिव थे तब शेयर की प्राइस बढ़ती गई, और जब सेंटीमेंट नेगेटिव हो गए तब शेयर की प्राइस गिरती गई। अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तो मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से नहीं बल्कि स्टॉक के फंडामेंटल्स के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करें। वैसे अगर आप जानते हैं कि मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताएं। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो एंजल वन का लिंक फर्स्ट कमेंट में दिया है।